अब हम ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस हिसाब से डिफाइन किया विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इफ v इज इक्वल टू 60 साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर वोल्ट्स इन फ्री स्पेस एंड पॉइंट p इज लोकेटेड एट r इक्वल टू 3 मीटर्स, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड फाई इक्वल टू 25 डिग्री, फाइन पार्ट a पोटेंशियल एट p पॉइंट, b इलेक्ट्रिक फील्ड एट p पॉइंट, dv बाय dn मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट एट p, an नॉर्मल वेक्टर एट p मतलब अलोंग v dv बाय dn एंड rho v एट p। तो ये सारे एलिमेंट्स आप पता करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें vp निकालना है, पोटेंशियल एट p पॉइंट। तो हम v का एक्सप्रेशन 60 साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर दिया है। इसमें हम p पॉइंट पर 360 डिग्री 25 डिग्री पर अगर हम v की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारा हो जाएगा v एट p पॉइंट। तो नेचुरली थीटा की जगह हम 60 डिग्री रख रहे हैं, r की जगह 3 रख रहे हैं, तो ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा वोल्ट्स में फॉर p पॉइंट। तो इसका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है 5.774 वोल्ट्स आ रहा है। अब सेकेंड पार्ट जो हमसे पूछा गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट कहा गया है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन कर लेते हैं। तो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो डेल ऑपरेटर इनटू v, ये पूरा वेक्टर है। v अपने आप में वेक्टर नहीं है, डेल ऑपरेटर वेक्टर है, तो वेक्टर इनटू स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल v होगा। डेल v को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर ए फाई टर्म मतलब यहाँ पे मैं डेल वी बाय डेल फाई नहीं पता कर सकती क्योंकि कहीं भी वी के एक्सप्रेशन में फाई एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेचुरली थर्ड टर्म जो ए फाई की आएगी वो 0 आएगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स लिखिए, एक ए आर की और एक ए थीटा की। तो डेल वी बाय डेल आर जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो आर के रेस्पेक्ट में इसे इवेल्युएट किया, तो वो -120 साइन थीटा अपॉन आर क्यूब होगा ए आर, और थीटा के रिस्पेक्ट में किया 1/r तो है ही, थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो साइन थीटा कॉस थीटा में हो जाएगा, तो ये टर्म क्रिएट हो जाएगी। अब p पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है e का एक्सप्रेशन। तो नेचुरली ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया इसमें थीटा की जगह 60 डिग्री, r की जगह 3 और फाई है ही नहीं, अदरवाइज हम 25 डिग्री सब्सटीट्यूट करते। पूरा सॉल्व किया तो e का एक्सप्रेशन p पॉइंट पर जो आया वो ये फाइंड आउट हुआ है, जिसमें 2 टर्म से ए आर और ए थीटा। अब हमें फाइंड आउट करना है dv बाय dn एट p, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e है। तो e का मैग्नीट्यूड ep मैग्नीट्यूड ऐसा लिखा, तो अंडर रूट 3.849 का स्क्वायर प्लस 1.111 का स्क्वायर, तो ये मुझे मैग्नीट्यूड दे देगा e का एट p, और यही dv बाय dn होगा। ठीक, अब अगर हम a नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना चाहते p पॉइंट पे, तो थ्योरी में डिफाइन कर चुके हैं कि एन की डायरेक्शन ये वाली होगी, तो माइनस एन की ये है। तो ईपी से मैं एन वेक्टर निकाल सकती हूँ, तो ईपी का वेक्टर डिवाइडेड बाय ईपी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करती हूँ तो मुझे माइनस ए एन मिलेगा। और इसका मतलब अगर मैं माइनस साइन रख देती हूँ, ईपी की डायरेक्शन ये वाली है, अपॉन ईपी का मैग्नीट्यूड रखते तो मुझे यूनिट वेक्टर ये वाला मिलता है, तो उसका निगेटिव करेंगे तो प्लस ए एन मिलेगा। तो इसलिए हमने सब जगह पर माइनस रखा हुआ है, यही सब्सटीट्यूशन किया, इवैल्यूएट किया, तो ए एन की वैल्यू ये फाइंड आउट हुई। अब हमें पूछा गया है लास्ट में रो वी एट पी। तो रो वी फाइंड आउट करने के लिए पहले डी फाइंड आउट किया। ई का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ ही चुका है, एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई किया तो ई क्या कि दोनों टर्म्स में एप्सिलॉन 0 अंदर आ जाएगा। फिर रो वी जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ डी है, तो वो फाइंड आउट किया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन फाइंड आउट हुआ। अब मुझे रो वी एट पी फाइंड आउट करना है, तो थीटा को 60 डिग्री आर को 3 ऐसा सब्सटीट्यूट किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रो वी का आंसर होगा।